नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में यूनिट संख्या सेकंड में सर्वव्यापिक बैंकिंग का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा कि ई बैंकिंग क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ई बैंकिंग में हम महत्वपूर्ण कंटेंट का आज अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्यतया ये चीज़ें हैं। पहला तो हम अध्ययन करेंगे ई बैंकिंग, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नोट शॉर्ट नोट से संबंधित ये प्रश्न अधिकतर पूछता है कि निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे ई बैंकिंग पर। ई बैंकिंग क्या है, दूसरी हम चर्चा करेंगे इंटरनेट बैंकिंग क्या है, तीसरी हम चर्चा करेंगे मोबाइल बैंकिंग क्या है, फोर्थ हम बात करें मोबाइल बैंकिंग के तरीके एनीवेयर बैंकिंग क्या है, अगले हम चर्चा करें ATM क्या है, छठी हम बात करें क्रेडिट कार्ड क्या है। ये आपके शॉर्ट नोट के माध्यम से टिप्पणी के रूप में आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछ लेते हैं। जैसा कि आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, क्या जानते हैं ई बैंकिंग क्या है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है और एनीवेयर बैंकिंग क्या है, ATM क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है, जानते सब हैं। हो सकता है इनका विस्तृत रूप से आप न जानते हो, तो इनका हम एक बिंदुवार इनके बारे में हम शॉर्ट नोट से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। ई बैंकिंग, जैसा कि नाम है ई बैंकिंग, ई बैंकिंग को अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहते हैं। ई बैंकिंग से तात्पर्य ऐसी बैंकिंग से है, यह बैंकिंग उद्योग एवं व्यवसाय में बैंक ई बैंकिंग के समान या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक अपना व्यवसाय करके ग्राहक को अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाएं एक इंटरनेट माध्यम से उपलब्ध करवाता है, जिसे हम वास्तविक बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं, वो अपनी ई बैंकिंग कहलाता है। तो इस प्रकार ई बैंकिंग का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी है, इसे अपन वास्तविक बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। आगे हम बात करें इसी क्रम में इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा सूचना के महासागर कहे जाने वाले को अपन इंटरनेट को इस तरह कहेंगे कि इस दुनिया में एक अजीब ही तरह की क्रांति ला दी है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे मूलभूत आवश्यक कार्य, मूलभूत सेवाएं आसानी से बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग मुख्यतया बैंक आपको उपलब्ध करवाता है, जिसमें अपने खाते से संबंधित ID पासवर्ड दे करके आप आसानी से घर के सभी प्रकार के बिलों को या फिर और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं घर बैठे ले सकते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग एक दूरगामी फास्ट सर्विस है, जिसके माध्यम से कम समय में आप आसानी से ये कार्य कर सकते हैं और सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। आगे हम बात करें इसी क्रम में मोबाइल बैंकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, मोबाइल सभी के पास है, आजकल स्मार्टफोन है, उसके माध्यम से बैंक आपको विभिन्न प्रकार के ऐप के माध्यम से, जैसे गूगल पे,
फ़ोनपे, पेटीएम, इनके माध्यम से आप बैंकिंग सेवाएं आसानी से कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग भी एक महत्वपूर्ण बैंकिंग है। मोबाइल बैंकिंग का साथ तात्पर्य उस बैंकिंग से है जिसमें मोबाइल फ़ोन के माध्यम से एक व्यक्ति दूर रहकर भी अपने बचत खातों की जांच व आसानी से लेन देन कर सकता है, अपने बचत खाते से संबंधित शेष की जानकारी ले सकता है और मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध होने से आसानी से मोबाइल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बैंकिंग क्रियाएं कर सकता है। वो मोबाइल बैंकिंग के अंतर आती है जिसके माध्यम से शॉर्ट मैसेज से भी होता है, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग 12 से 18 सेकंड के अंतर्गत आप अगर किसी खाते में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या किसी खाते से पैसा मंगाना चाहते हैं तो एक OTP के माध्यम से 12 से 18 सेकंड के टाइम पीरियड में आप आसानी से विभिन्न से बड़े लेन देन या कोई भी लेन देन आसानी से कर सकते हैं, वो मोबाइल बैंकिंग होती है। मोबाइल बैंकिंग बैंकिंग में अपने स्क्रीन पे विभिन्न प्रकार के ऐप या विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं के ऐप आसानी से देख के उनको क्रियान्वित कर सकते हैं, तो वो क्या आते हैं, मोबाइल बैंकिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर एनीवेयर बैंकिंग। ये भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं कि एनीवेयर बैंकिंग क्या है। एनीवेयर बैंकिंग वह बैंकिंग है जो कुछ ही बैंकों में एनीवेयर बैंकिंग की शुरुआत करके अपने ग्राहकों को ये सुविधाएं प्रदान करते हैं कि किसी भी शाखा में, किसी भी स्थान पे, किसी भी विदेशी शाखाओं में जाकर के पैसा आप जमा करा सकते हैं, पैसा निकलवा सकते हैं, या विभिन्न शाखाओं में जाकर के ब्रांचों के माध्यम से जाकर के आप आसानी से लेन देन कर सकते हैं, तो उसे हम एनीवेयर बैंकिंग कहते हैं। एनीवेयर बैंकिंग जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, एनीवेयर बैंकिंग वह बैंकिंग है जो एनी टाइम कहीं भी आप कोई भी ब्रांच से जाकर के लेन देन कर सकते हैं और कहीं भी पैसा आप निकलवा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं, तो वो एनीवेयर बैंकिंग के अंतर्गत आती है। एनीवेयर बैंकिंग अपने वर्तमान में प्रचलित भी है। आगे हम बात करें ATM। आप जानते हैं ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, जो कि सर्वप्रथम इसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी। ATM 24 घंटे आपको धन आप निकाल सकते हैं, कहीं पर भी 24 घंटे आपको धनराशि निकालने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ATM आप बैंक आपको अपने खाते पर एक ATM की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं, तो आपको एक ATM कार्ड जारी करता है, उस ATM के माध्यम से ATM मशीन में जाके आप आसानी से पैसा निकलवा सकते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ग्राहकों के मुद्रा के लेन देन में 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, जो कि अग्रणी बैंक के रूप में भी भूमिका का निर्वहन करती हैं, जो कि इस प्रकार ATM के माध्यम से कहीं भी कोई भी शाखा में जा कर के एक अधिकतम धनराशि जो कि बैंक की लिमिट के आधार पे आप आसानी से पैसा निकलवा सकते हैं, तो पैसा निकलवा भी सकते हैं और पैसा जमा करवा भी सकते हैं, वो ATM होता है। जैसा कि आप जानते हैं ATM के बारे में, ATM प्रत्येक व्यक्ति के पास जिसका खाता है, मेरे हिसाब से सभी के पास वो उपलब्ध होता भी है। हो सकता है कहूँ कि अपात न हो, परंतु आपके खाते के साथ ATM सुविधा उपलब्ध होती है। आगे हम बात करें क्रेडिट कार्ड की। ये भी एक कार्ड के रूप में होता है, प्लास्टिक का, जिसे अपन प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। प्लास्टिक मनी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों सम्मिलित हैं। जैसा कि नाम से ही है, क्रेडिट कार्ड आपकी साख के आधार पर बैंक आपको एक सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, जिसमें आप अग्रिम या किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, जिसका भुगतान 45 दिन के बाद में जमा करवाना होता है, वो क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड का चलन सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। कई बार आपके कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड का चलन कब हुआ, तो क्रेडिट कार्ड का चलन कब हुआ, अमेरिका में हुआ। अमेरिका में कब हुआ, 1950 में अमेरिका के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड का चलन हुआ। तो इस प्रकार ये
विभिन्न प्रकार के आयाम विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड का चलन, जैसे मैंने बताया अमेरिका में हुआ, जो कि एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, मनोरंजन, होटल, रेलवे, हवाई यात्रा की टिकट आसानी से मिल जाती है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कार्ड धारक को नकद की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है, जिससे उनकी चिंता से मुक्ति मिल सके। इसमें आप नकद की सुविधा भी उपलब्ध होती है, आपको आवश्यकता पड़ने पर आप पैसा बैंक के माध्यम से या फिर मोबाइल या विभिन्न प्रकार के ऐप के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये अपने मुख्य रूप से टिप्पणी के रूप में थे, जो कि ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनी वेयर बैंकिंग, एटीएम और क्रेडिट कार्ड हैं। ये आपके एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ लेते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है, एनी वेयर बैंकिंग क्या है, तो आप आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इनसे संबंधित अगर टिप्पणी के रूप में अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप आसानी से कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है आप किताबी लैंग्वेज ही लिखें, अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं। तो ये अपने सर्वव्यापिक बैंकिंग में हमने अध्ययन किया कि सर्वव्यापिक बैंकिंग में ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कौन कौन से कार्य संपादित होते हैं। तो हमने विभिन्न सूत्रों के माध्यम से या विभिन्न कंटेंट के माध्यम से ये मुख्यतया हमने बिंदुओं का अपने अध्ययन भी किया, जो कि एक मोबाइल बैंकिंग के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न टिप्पणियों की बात करें तो और भी विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां हैं, जिसमें पर्सनल बैंकिंग आती है और भी विभिन्न प्रकार के हैं, जो कि परंतु मैंने वो टिप्पणी के रूप में ली हैं जो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर इनसे संबंधित ही आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनी वेयर बैंकिंग क्या क्या है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि बैंकिंग क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे नवाचार हैं, जो कि पहले के वीडियो में भी आप इसमें अध्ययन भी कर चुके हैं कि भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियां का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के नवाचार इसमें सम्मिलित भी हैं, जिसमें हमने बाकी की पहले की क्लास में हमने इसका अध्ययन भी किया था। तो हो सकता है उनसे संबंधित वीडियो ले लें। इसी यूनिट के अंतर्गत आपके यूनिट संख्या थर्ड में, जो कि इम्पोर्टेंट कंटेंट है विभिन्न नवाचार में, कि भारतीय बैंकिंग के मूल नवाचारों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, कि प्रधानमंत्री जन धन योजना पर एक निबंध लिखिए, कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। इनसे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, इसमें कौन कौन से मूलभूत कार्य हुए हैं, कौन कौन से आयाम हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना में कौन कौन से सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, तो उनके बारे में हम संक्षिप्त एवं सारगर्भित अध्ययन करेंगे, जिसमें अपने सरल एवं सरल सहर भाव में अपने इसको हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। फिर इसी यूनिट का आप अंतिम चैप्टर है, उनका अध्ययन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं, कि बैंक और ग्राहक के मध्य क्या संबंध हैं, बैंक और ग्राहक, बैंक क्या है, ग्राहक क्या है, और बैंक और ग्राहक के बीच में सामान्य और विशेष संबंध कौन कौन से हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आपके एग्ज़ाम में आता है। यूनिट संख्या सेकंड में आपको वो चैप्टर से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि बैंक के सामान्य संबंध कौन से हैं और विशेष संबंध कौन से हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं बैंक क्या है, ग्राहक क्या है, बैंक आप जानते हो बैंक एक ऑटोनोमस बैंक वह है जो बैंकिंग क्रियाएं करे, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार कार्य करती हैं, और ग्राहक क्या होता है, जिसमें बैंक में किसी ग्राहक का, किसी व्यक्ति का क्या होता है, खाता होता है, वो ग्राहक कहलाता है। तो इस प्रकार ये आपके मेन कंटेंट हैं, तीन वीडियो हैं जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो हम अध्ययन कर देंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना की, और उसे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंक और ग्राहक के मध्य कौन कौन से संबंध हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है।
तो अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।